आप इनको पहचानते नहीं पहचानते तो आज परिचय हो जाए, और परिचय मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको कि इनको इनको बहुत सारे एक साथ ढेर सारे रिजल्ट मिले हैं, बस एक नहीं फाइनल तीन रिजल्ट है अभी इनके पास, बैंक पीओ आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क और आईडीबीआई असिस्टेंट, तीन रिजल्ट है इनके पास, तो शायद ये चले जाएंगे। अभी एसबीआई पीओ और ये दिया हुआ है मेन्स, और ये फिर अभी इसका मेन्स होगा मेन पीओ का, तो इनके शायद ये चले जाए। थोड़ा सा आप इधर हाँ चलिए बताइए उसको। हाँ हाँ ये आप साइज का मिठाई दी है, बस आप लोग भी मौका दीजिए, अगर अगर चलते चलते यूं ही कभी मुलाकात हो गई तो अब मैं समझता हूँ इसके पहले कि मैं आपको इजाजत दूं जाने का, ये तो संभव नहीं है। आई होप कि ये कुछ बताना चाहेंगे बोलना चाहेंगे के बारे में बताइए, क्या है आप, क्या मिला आपको? मेरा नाम प्रियांशु है और मैं सुल्तानगंज मेरा घर है, और 2016 ईस्वी में यहाँ लाइसेंस में आया था। गोपाल भैया मेरे साथ तो मतलब सीनियर थे, बैंकिंग का यहीं पे करते थे, ये वही भेजे थे वहां चले जाओ, लाइसेंस आए हम उस समय नया नया तो भेजे, मतलब जस्ट इंटर हुआ था आई, उसके बाद कुछ दिन तो मन ही नहीं लगा, क्लास में हम मतलब वहाँ बैठती थी एक दीदी बैठती थी जिससे हम एडमिशन करवाए थे अपना, बोली थी कि नया बैच में जाओ हमको, हम बोले नहीं हमको क्रिकेट खेलना है, हम 2 बजे पढ़ लेंगे लेकिन शाम में नहीं, तो 2 बजे वाला बैच में हम आए, उसमें बैच बहुत आगे चल रहा था और सर से हम मिले भी नहीं, डायरेक्ट लास्ट बेंच पे आके बैठते थे और छुट्टी होता था निकल जाते थे, हमको उस समय कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि बैच बहुत आगे था और सर जैसे वर्ड था ब्रीफ तो लेकोनिक आया, तो सर बोलते थे लेकोनिक फैला हुआ, सब बच्चा सब बोलता था नहीं सर संक्षिप्त, और हम कॉपी में दोनों लिख लेते थे फैला हुआ संक्षिप्त, उसमें कुछ मन नहीं लगा था, भरतपुर में अकेले अचानक से आए थे फिर घर चले, फिर 17 में हम यहाँ लाइसेंस हम दोबारा आए, तो फिर सर से पूछे सर मैथ कहाँ पढ़े जाके, कुछ नहीं बढ़ा है नॉर्मल सा, सर बोले ठीक है क्या आप जानते हो तुम, हम बोले एवरेज, सर बोले कल से 100 सवाल बना के लाना तुम, उस समय से हम मिला जुला के पहली बार रात में 2 बजे तक जगे थे और सर सवाल बना था वही 50 या 55 के आसपास, सुबह आए कॉपी दिखाए उसी तरह दिखाते दिखाते लगातार होता रहा, एक ऐसा मतलब आया तो 1 घंटा बैठते थे 2 घंटा बैठते थे और निकलते थे वही कॉपी दिखाते, उसके बाद एक दिन सर बोले दोपहर में क्या करते हो, झूठ नहीं बोलते हम वो दिन सो जाते हैं सही, सर बोले ठीक है कल से 4 बजे तक बैठोगे, वही 4 बजे से बैठते बैठते फिर ऐसा टाइम आया 10 बजे तक लाइसेंस में ही गुजरता था, सुबह 8 से लाइसेंस 10, दोपहर में एक बार खाना खाने जाते थे बस, बल्कि वही सर हाथ पकड़ के बाहर करता है। तो सुना नहीं आपने कौन सी परीक्षा पास की, तो सुना नहीं आपने, सुना कौन सा एग्जाम है पास नहीं, कहीं चर्चा हुई हम क्यों बताए, कैंडिडेट बताएगा तो आपने कौन सी परीक्षा पास की, बैंकिंग एग्जाम का आप शुरुआत कर सकते हैं, मतलब अटेम्प्ट देना, ग्रेजुएशन जब हो गया था हम ग्रेजुएशन के बाद से उससे पहले मैं एसएससी का तैयारी करते थे, एसएससी के बाद हमको लगा उसमें बहुत ज्यादा लेट लग जाएगा जल्दी चाहिए, सर को बोले हम सर बोले वहां रखा रहता है सेट उठा के ले जाओ बना के लाओ, तो गए पलारे 18 नंबर सेट पर 18 नंबर आया था हमको, मतलब तो पूरा 1 घंटा हमसे रीजनिंग बनाया मैं कुछ हुए भी यही था उस समय, तो कुछ कुछ सिंप्लीफिकेशन सब बनाए थे उसमें जो आ रहा था, वही 18 से 38 हुआ, 38 से 45 हुआ और सेट पे उसमें हमको नंबर वही 50 के आसपास आ रहा था, तो सब में हम लोग बैठे थे हम सुमित दीपक भाई सब थे साथ में, सर बोले आईपीएस पीओ का फॉर्म भरा, तो सुमित का था वहां से मधेपुरा से था, उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ था उस समय, दीपक भैया और मेरा था, हम लोगों ने बोले नहीं सर क्यों, ये सब नंबर आता है तो 50 के आसपास नंबर कैसे लिया जाता है क्लर्क से, सर दोनों तुरंत मान लो
और नहीं भरेगा नहीं आना कल से, तो भरे हम उसमें परीक्षा भी और पहली बात पता है कैसे आ गया रिजल्ट पीटी बोल। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वही 60 बनाए 62 कट ऑफ 58 था और हम कुछ जान नहीं रहते सही सचमुच से क्या बनाया तुमको रिजल्ट। उसके बाद अगर एक रिजल्ट आया तो सर से तबियत भी खराब हो गया हो गया तो सर वो लगता है अगर उस समय भी अगर सर ठीक रहते फिर तो लॉकडाउन लग गया इसी से भैया। और सभी यहीं से किए थे और सभी यहीं पे पढ़े थे बस हम बैठ के यस वो फ्री का एक क्लास होता ना हमेशा हम अभी भी चल रहे हैं एक क्लास होता है जो बिना फी का सिर्फ मैथ रीजनिंग अपना तैयारी करने का उनको बताओ और मैथ रीजनिंग अलग से जैसे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ना है लोग जानेगा कि तैयारी कैसे की एक लगातार से बने रहे बस। एक तो बात हम कहीं पढ़े थे मतलब एक कहानी टाइप का है ये लागू होता है सचमुच में मतलब एक बार होता था कि एक ये था शिष्य था और टीचर थे उसके पानी बहुत तेज चल रहा था एक मतलब नदी थी उसे पानी बहुत तेज चल रहा था तो टीचर बोले कि सर तू मेरा हाथ पकड़ लो तो जो स्टूडेंट जो था उसने सर का हाथ नहीं पकड़ा सर फिर बोले तुम मेरा हाथ पकड़ लो स्टूडेंट ने हाथ नहीं पकड़ा फिर सर क्या किया उसका हाथ पकड़ के ले गए उसको पानी तो पार कर गए फिर उसके बाद पूछते हैं तुमने मैं हाथ क्यों नहीं पकड़ा था वही जवाब वो दिया कि मैं इतना कमजोर हूँ मुझे अपने पर भरोसा तो है नहीं कभी मैं हाथ छोड़ सकता हूँ लेकिन अगर आप निश्चित हाथ छूटेगा नहीं कभी। सवाल है कि मैथ रीजनिंग आप कहाँ पढ़े हैं उसका आपने जवाब नहीं दिया मैथ रीजनिंग दोनों यही लेसन अब ये भी पूछेंगे फैकल्टी कौन सा पढ़ाने वाले काफी ना नहीं ये तो भैया दीदी सब रहते हैं यहाँ हमेशा एक अगली पीढ़ी यहाँ पिछले पीढ़ी को गाइड करती है अभी भी हम समझते हैं 20 से 25 स्टूडेंट या नहीं अभी रेगुलर में 12-13 लोग हैं जो फिर कंटिन्यू हैं अब इधर पिछले हफ्ते से पिछले वीक से बंद कर दिए सैट फ्राइडे से उस क्लास को फिलहाल ड्रॉप कर दिए वो कंटिन्यू चल रहा है वो एक बैच हमेशा चलते रहते हैं जिसमें कोई फी पेबल नहीं होता और कुछ पूछना है ये अपॉइंटमेंट लेटर खोज देखना है कहीं ऐसा भी तो नहीं लगा जैसे यहाँ भागलपुर में एक सिस्टम है जूठी मिठाइयां बांटते हैं लोग Thank you.